जाओ ना, बोल दो जाओ, अरे जाओ। माँ। हाँ। मुझे आपसे बात करनी है। क्या बेटा? माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। क्यों? मैंने किया क्या बेटा? माँ, अब हम नहीं रह सकते साथ। क्यों? माँ, हमारी भी पर्सनल जिंदगी है, प्लीज हमें जीने दीजिए। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? माँ, मैंने आपके लिए वृद्धाश्रम का इंतजाम कर दिया है। चलो, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। ये लीजिए माँ आपका बैग। ये रहा आपका वृद्धाश्रम। हैप्पी बर्थडे माँ। आपको क्या लगा कि आपका बेटा इतना बड़ा हो गया कि आपको आपके घर में से ही बाहर निकाल देगा? ये मेरी पहली कमाई का पहला घर आपके लिए। हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं माँ? अगर आपके माँ बाप खुश हैं तो समझो ऊपर वाला खुश है। और वैसे भी माँ बाप की जगह दिल में होती है, आश्रम में नहीं। बेटा, बेटा। माँ, माँ, कहाँ चली गई माँ? जानती हूँ तुझे भूख लगी होगी, तेरी फेवरेट दाल बनाई है। सोचा था आज हम साथ में लंच करेंगे, आज मदर्स डे है ना। मैं आई थी पर तेरा रूम लॉक था। हम रहते तो एक ही घर में है, फिर भी मैं तुझे ढूंढती रहती हूँ। माँ, कहाँ थी तुम? बेटा, तुम्हें गाजर का हलवा खाना था ना, तो सामान लेने गई थी। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं माँ, आज से हम खाना साथ में खाएंगे। हैप्पी मदर्स डे माँ। थैंक यू बेटा। लव यू माँ। लव यू टू बेटा। अरे छोटू, कैसी लगी? अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेके जा रहा हूँ मदर्स डे पे। साहेब अच्छी है। तू अपनी माँ के लिए क्या गिफ्ट लेके जा रहा है? साहेब, सभी की किस्मत में माँ नहीं होती। मेथों मरिया नहीं जाना ना ताने आदे विच ए बेगाने आदे विच मैं खाने आदे विच मैनू चैन मिलू मेरे पिंड। पता है कुछ लोगों की क्या सोच होती है कि बहू के मायके वाले कभी हमारा भला नहीं सोच सकते, पर अब उनको कौन समझाए कि वो आपका इतना भला सोचते हैं, क्योंकि उनकी जान आपके घर में रहती है। तो